संजय मिश्रा हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी मेरे पास स्वास्थ्य संबंधित दो सवाल हैं। हाँ, जी मैम। वो पहला तो बाबा जी और दूसरा मुंह पर लाल लाल झाड़ियां आना। दूसरा सवाल दोबारा कहिए। दूसरा सवाल है, मुंह पर लाल लाल झाड़ियां आना। समझ गए आप? नहीं हकीम साहब, मैम आपकी लाल लाल दाने। लाल लाल दाने नहीं, झाड़ियां टाइप का निशान टाइप का ना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मिश्रा साहब, नुस्खा एक है लेकिन फायदे अनेक हैं। और अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था, इसे दोनों फायदे होते हैं। मैंने कहा था स्किन रोग भी अच्छा होता है, चेहरे पे झाइयाँ हो, मुहासे हो, रौनक ना हो, पुरकशिश ना लगते हो, मुहासे हो और स्किन की कोई भी समस्या हो, उसके लिए मैंने बताया था। मैं उसका दोहरा देता हूँ। देखिए, सौंफ तो सभी जानती हैं महिलाएं, सौंफ, सौंठ, सौंठ भी जानती हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब आपके किचन में ही मिल जाते हैं। फिर से दोहराता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, और मेथी का दाना है ये, मेथी का बीज समझ लीजिए, मेथी का दाने को कहते हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 100 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें, ये पाउडर रखें संभाल कर। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून एक विशेष नमक होता है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता लेकिन दिखता नमक जैसा है, चख के देखो तो खारा सा या कड़वा सा, हल्का सा कड़वाहट सी होती है, और पानी में मिला दो तो उसका स्वाद भी चला जाता है। नमक जैतून ले, ये अलग रखें, इसको आप एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये जो 6 चीज़ों का पाउडर बनाया है ये आप 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लें 2 गिलास में मिलाकर। आप देखेंगे कि पेट के पूरे सिस्टम के लिए, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन और कब्ज और लैट्रिन में इन्फेक्शन, बवासीर, और ये चेहरे पर झाइयाँ, मुहासे और स्किन में ग्लो जो नहीं होती ना, चेहरा अजीब सा मुर्दा सा हो जाता है, रौनक नहीं रहती, उसके लिए अच्छा नुस्खा है। इन सब रोगों में काम करता है, स्किन में के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये खुराक 1 या 2 रोज़ाना लिया करें, खाने से पहले लें या बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।